अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में आपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया था। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब मैप्स एंड डियर यूजेस को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे ग्लोब और मैप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब, के मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मैप एंड ग्लोब, के मैप और ग्लोब की हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ नॉर्थ। लास्ट पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केल्स। और इन्हीं सब टॉपिक्स में हमारे 2 क्वेश्चन कवर होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जी क्लास, अब हम बुक के पेज नंबर 16 पे देखते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 है ग्लोब मैप एंड देयर यूजेस। इसमें इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे मैप और इसके कंपोनेंट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा पॉइंट्स ऑफ कार्डिनल एंड टाइप्स ऑफ नॉर्थ। नेक्स्ट पॉइंट हम इस चैप्टर में देखेंगे स्केल्स एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेजरिंग डिस्टेंस बाय यूजिंग द मैप। उसके बाद इसके अलावा हम देखेंगे डिफाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बाय द हेल्प ऑफ स्केल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। फाइंड द लोकेशन बाई यूजिंग द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स एंड मैप सिंबल्स। यूटिलिटी ऑफ मैप्स इन एवरी डेली लाइफ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 17। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा ग्लोब। व्हाट इज़ द ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? ये देखें, आपके पास पिक्चर्स ड्रा भी हुई हैं आपके बुक में। देखें, अक्सर आपने देखा होगा ये ग्लोब की, इस तरह की ग्लोब आपके स्कूल में भी मौजूद है। जब आप क्लास स्कूल आएंगे आपको यहाँ मैं शो दिखाऊंगी भी। देखें ग्लोब क्या होता है। इफ़ वी ड्रा एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ ऑन अ राउंड बॉडी लाइक अ फुटबॉल। इसका मतलब है अगर हम फुटबॉल जैसे किसी भी बॉडी पर मैप ड्रा कर दें तो वो क्या बन जाता है? ग्लोब बन जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? मॉडल ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैप। मैप क्या होता है? मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑन इट्स फ्लैट सरफेस। मैप ये होता है कि किसी भी अर्थ के एक पार्ट को किसी फ्लैट सरफेस पर ड्रा करना मैप कहलाता है। ये ऐसे दिखाई देता है जैसे आप इस जगह को हाइट से देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है? देखें, ग्लोब इज़ अ राउंड एंड मैप इज़ अ फ्लैट। सबसे पहला डिफरेंस आपका होगा कि ग्लोब आपका, जैसे ये देखें, ग्लोब आपका गोल होता है और यहाँ पे मैप आपको दिखाया गया और मैप आपका फ्लैट सरफेस पे ड्रा किया जाता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस है ग्लोब होल अर्थ को शो करता है, कि ग्लोब में हम पूरी दुनिया का जायज़ा ले सकते हैं जबकि मैप जो होता है वो किसी अर्थ के किसी एक पार्ट को शो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इसका होगा, नेक्स्ट इसका डिफरेंस ये होगा ग्लोब पर हम डिटेल्स नहीं देख सकते। देखें यहाँ पे ग्लोब पे सिर्फ हमें शो किया गया ये कंट्री है। इट्स मीन के डिफरेंट कंट्रीज़ को इसमें शो किया गया है, बट इसकी डिटेल्स हम किस पे देखते हैं? मैप पे। नेक्स्ट पेज नंबर 18 पे हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मैप, कि मैप की इम्पोर्टेंस क्या होती है। मैप सबसे पहले हम देखेंगे मैप किस किस वजह से हमें अपने डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है। ओवर अर्थ इज़ अ बिग प्लेस। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी शेप कैसी है, हम इसके किस पार्ट में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द की प्लेसेस किस तरह की हैं और हमारा इन प्लेसेस के साथ कैसा कनेक्शन है।
इन सब के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? मैप की। कि मैप हमें बताता है कि हम दुनिया के किस हिस्से पे रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द रहने वाली कौन कौन सी प्लेसेस हैं और इन प्लेसेस से हमारा कनेक्शन क्या है, ये सब को क्या कौन बताता है? मैप। अगर आप पेज नंबर 18 पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दो पिक्चर्स इन्होंने ड्रा की हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या शो करती है? फर्स्ट पिक्चर आपको बताती है दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मुजफ्फराबाद सिटी वेयर टू रिवर्स नीलम एंड जहलम आर कम्बाइन। ये पिक्चर ये डिस्क्राइब कर रही है कि टू रिवर्स नीलम एंड जहलम एक दूसरे से आपस में मिल रहे हैं। जबकि नेक्स्ट पिक्चर क्या शो करते हैं, सिंपल वे में आपको मैप के जरिए दिखाया गया है कि इसमें भी यही दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे टू रिवर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कुछ इसमें कन्वेंशनल साइन नहीं यूज़ हो रहे, कुछ मैप में कन्वेंशन साइन यूज़ किए जाते हैं, ये मैप इसी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट पे है डायरेक्शन, मैप शो डायरेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका है मैप हैज़ अ स्केल। नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन ऑन अ मैप। लैंडफॉर्म आर शोन बाय द कन्वेंशनल साइंस ऑन अ मैप। लेस डिटेल लुक ऑन दीज कंपोनेंट्स। के हम इसको पहले तो आपको मैंने ये बताया कि इसके चार कंपोनेंट्स हैं, आगे हम इन सारे कंपोनेंट्स की डिटेल को देखेंगे। डायरेक्शन क्या होती है, स्केल क्या होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है या कन्वेंशनल साइन क्या होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इन सब की डिटेल को देखेंगे। नेक्स्ट पे हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? जैसे आपको सबको पता है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। डायरेक्शन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसकी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो ईस्ट की तरफ जब हम मुंह करके खड़े होते हैं तो राइट साइड पे साउथ होता है, लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होता है एंड बैक साइड पे वेस्ट होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर द प्राइमरी कंडीशन, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इन सारी डायरेक्शंस को हम क्या कहा जाता है? कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स इन डायरेक्शन के अलावा कार्डिनल पॉइंट्स हैज फोर मोर डायरेक्शंस। इन चार डायरेक्शन के अलावा कार्डिनल पॉइंट्स की फोर और मोर डायरेक्शंस होती हैं जो कि सेकेंडरी डायरेक्शन कहलाई जाती हैं। ये आपके पास डायग्राम भी उन्होंने दिखाई हुई है, ये देखें नॉर्थ ई वेस्ट ईस्ट एंड साउथ। अगर आप मशरक़ की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड पे साउथ होगा, लेफ्ट पे नॉर्थ होगा और बैक साइड पे क्या होगा? वेस्ट। इसके अलावा फोर मोर डायरेक्शंस होती हैं कार्डिनल पॉइंट्स की, जैसे कि नॉर्थ की नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये सेकेंडरी डायरेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्लास टाइप्स ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ की कितनी टाइप्स होती हैं? द डायरेक्शन ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंट ऑन द मैप इज नॉर्थ। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक नॉर्थ द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल इज सिचुएटेड इज द ज्योग्राफिक नॉर्थ। आसमान पर कुतुबी सितारा जो बाकी सितारों के नस्बत ज़्यादा चमकदार होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ नॉर्थ में नेक्स्ट हमारी टाइप है नॉर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ। हमारी अर्थ के भी मैग्नेटिक बार की तरह टू पार्ट्स होती हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ को मैग्नेटिक कंपास के जरिए ट्रेस किया जाता है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखें स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल में कनाडा में एक आइसलैंड है प्रिंस विल्स में वाकिया है जी। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 22 पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्केल। स्केल क्या होता है? यहाँ पे
एक क्लासरूम की एग्जांपल दी गई है जिसकी लेंथ होगी, लेंथ आपके पास 8 मीटर है और विड्थ क्या है 6 मीटर। अब देखिए उसको बुक के पेज पे ड्रा किया गया है। अब 8 मीटर और 6 मीटर को बुक के पेज पे ड्रा करना कितना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने स्केल का यूज़ किया जाता है कि ज़मीन के डिस्टेंस को मैप पर कम डिस्टेंस से बदल दिया जाता है। यहाँ 8 मीटर को 8 सेंटीमीटर से शो किया गया है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। अब देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या होते हैं। एज अ स्टेटमेंट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ स्केल। 1 मीटर हैज बीन कन्वर्टेड इन 100 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट इसलिए किया जाता है कि इसका यूनिट बिल्कुल हमारे पास सेम रहे। इसके हॉरिजॉन्टल देखिए, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रा की गई है। एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच शो द रेशियो बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द लीनियर स्केल। नेक्स्ट पेज नंबर देखिए 23, पेज नंबर 23 पे एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है। ये देखें, इसमें एक मैप, पाकिस्तान का मैप ऑफ पाकिस्तान शो किया गया है। इसमें जैसे कि पहले मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे आपको बताया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। आपने यहाँ पे बताना है पेशावर और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का ज़मीनी फासले के मुताबिक अंदाजन कितने किलोमीटर पर वाकिया है। ये एक्टिविटी है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 23 पे ही, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ इज शोन बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब है ज़मीन पर मौजूद मुकामात को मैप पर लाइनों की मदद से शो किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, मैप पर वो लाइन जो साउथर्न अर्थ एंड नॉर्थर्न पार्ट को आपस में डिवाइड करती है। दो टू लाइंस लगाई जाती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसमें भी टू लाइंस ड्रा की जाती हैं जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में कन्वर्ट करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसके लिए पेज नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, आल्सो राइट अ डिटेल नोट ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके लिए देखें आप पेज नंबर 19। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है कंपोनेंट्स ऑफ मैप। फर्स्ट आपकी है होगा इसका पॉइंट डायरेक्शन, देन स्केल्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, नेक्स्ट पे कन्वेंशनल साइन। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपने डिटेल नोट लिखना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। इसके लिए पेज नंबर 23 देखें स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है लैटिट्यूड की। इसकी सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द प्लेस टेकन इक्वेटर इज शोन बाय लाइंस, दीज लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। यहाँ तक आपने लिखना है। इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के लिए देखें पेज नंबर 24। लॉन्गिट्यूड के लिए आपने इसको हाईलाइट, इसकी हेडिंग देनी है। नेक्स्ट द एंगुलर मेजरमेंट से लेकर आपने लॉन्गिट्यूड तक इसको लिखना भी और अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम द डायरेक्शन एंड राइट द नोट ऑन द टाइप्स ऑफ नोट। इसके लिए आप देखें पेज नंबर 20। कार्डिनल पॉइंट, सबसे पहले आपने कार्डिनल पॉइंट की हेडिंग देनी है और आपने स्टार्ट करना है। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ आर प्राइमरी डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट। यहाँ तक लिख के आपने ये वाली डायग्राम बनानी है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। नेक्स्ट पे आपने सेकेंडरी डायरेक्शंस की हेडिंग देनी है और आपने इसके वेरी नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। देयर 4 मोर डायरेक्शन बिटवीन द कार्डिनल पॉइंट, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डायरेक्शंस।
आपने उसके बाद इस ये लिखने के बाद आपने ये वाली डायरेक्शंस वाली ये फोर मोर डायरेक्शंस हैं सेकेंडरी डायरेक्शंस की डायग्राम बनानी है अपनी कॉपीज पे, इसको अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नंबर 4 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ आप ने जब तक हमारा लेक्चर नंबर 5 आप देखेंगे आपने इसको इसके दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा और अपनी कॉपीज पे नीट कॉपीज पे नोट डाउन भी कर लिया होगा। चलें स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।